आज का टॉपिक है बीपीएससी प्रीवियस ईयर से मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा। क्वेश्चंस भी कवर किए हुए हैं, जो आपने अगर नहीं देखा तो उन वीडियो को भी देख लें, उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं केके, करंट गुरु विद केके में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आपने अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 68वीं बीपीएससी तक मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा गया प्रश्न है। 101वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन है आपके सामने। 41वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन डी 1897 में। अगला प्रश्न, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। 43वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। राइट आंसर ऑप्शन बी आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और इनका मूल उद्देश्य था कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। दयानंद सरस्वती ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। अगला प्रश्न, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? 40वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। राइट आंसर ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन ए मैडम एचपी ब्लाटवस्की। यह एक रूसी महिला थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन बी एनी बेसेंट। इस तरह से क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में, देख पा रहे हैं आप। अगला प्रश्न, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलित का उत्थान करके ही समाज की बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। देखिए, किसने इन प्रार्थना समाज, यंग समाज, इनकी स्थापना की है? 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरी देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदौनजी। एक प्रश्न में आपको 5 प्रश्न मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर इसी लिहाज से आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था, जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 39वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न।
अगला प्रश्न, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 63वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन सी 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 39वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन डी लगान का नगद में परिवर्तन। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद का संबंध था? 42वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन सी बिहार में जाति आंदोलन से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? 44वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। 116वां प्रश्न, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? 47वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स से। 117वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसने बंगाल के द्वैत शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? 41वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? राइट आंसर ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। 41वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, री एग्जाम में आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए 1872 ईस्वी में। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में कराई गई थी, किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में मानी जाती है। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया? 38वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन सी 1877 ईस्वी में। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 63वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, राइट आंसर ऑप्शन ई, क्योंकि 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के टी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? 45वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, इसे कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया था। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान मध्य वर्ग को प्रधानता दी गई थी। अगला प्रश्न, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ मुखर्जी। 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगला प्रश्न, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन ए 1874 ईस्वी में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटाया गया। अगला प्रश्न, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे? 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन सी राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय
राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे हैं। विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। ऑप्शन में 1884 होना चाहिए, तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ई इसमें नहीं है। 128वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी 72, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 सितंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई किस वर्ष? राइट आंसर ऑप्शन सी 1885 में 40वीं बीपीएससी पीडी में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? 44वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन ए एओ ह्यूम ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन बी एओ ह्यूम। डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड 4 क्वेश्चन, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि उसकी स्थापना 1885 में हुई थी और उसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, उसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? 43वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, असैनिक सेवक थे जिन्होंने ICS की सेवा से निकाला गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया, राइट आंसर ऑप्शन सी मुंबई में, 42वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 45वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। जैसा कि मैंने पहले बताया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर को होता है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें से 38 प्रतिनिधि बंबई महाप्रांत के थे, 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से तथा 7 सदस्य उत्तर प्रदेश एवं अवध से तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की और इसके महासचिव एओ ह्यूम थे। लेकिन कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है, जो कि कलकत्ता में होता है, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे कि लाहौर का अधिवेशन किस वर्ष और उसकी अध्यक्षता किसने की, 1893 में, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। अगला प्रश्न,
महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 63वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन बी 1924 में। देखिए दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवित्री एवं राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में हुए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947 से 1949 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी बांकीपुर में। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में होता है, जो कि बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन मुधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के लेखक दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया? 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने यह संयुक्त भारतीय राष्ट्रसभा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी 47वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा हो भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, यह किसने कहा था? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ने ऐसी बातें कही है। वर्ष 1900 ईस्वी में कर्जन ने ये बातें कही थी। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना आरंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। अगला प्रश्न, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? राइट आंसर ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। 44वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। रजनी पाम दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभावाधीन आया? 43वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न।
1906 ईस्वी के बाद, बंगाल विभाजन के बाद। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से ना जाने लगे, 44वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन ई। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? 45वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन ए, अरविंद घोष। अगला प्रश्न, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको निर्मदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। उग्रवाद के चार प्रमुख स्तंभों लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष में बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह रहे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एमजी रानाडे समाज सुधारक थे। राइट आंसर ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजा वाम बंध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा वाम बंध कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की भाग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। अगला प्रश्न, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार से घायल हो जाने के कारण 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। अगला प्रश्न, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, डीडी सावरकर। देखिए, अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में होती है और इसके संस्थापक बीडी सावरकर थे। बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। राइट आंसर ऑप्शन ए, बीडी सावरकर। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ड बच गए तथा दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर में। 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया।
द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और दी महारत्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, यंग इंडिया। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी, द हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के संपादक गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। तिलक राजनीतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने पुनः कांग्रेस में वापसी हुई और तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जनसधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। रिपीटेड क्वेश्चन से राइट आंसर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे, सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा यहां फहराया गया। यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टुटगार्ट में। 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी, स्टुटगार्ट में। अगला प्रश्न, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहां से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहां से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के समय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था जो कि 1947। अगला प्रश्न, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन।
ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विविधता की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन है 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के द्वारा भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1876 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव पर वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। 56वीं से 59वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। अगला प्रश्न, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा? राइट आंसर ऑप्शन सी, W.W. Hunter ने। W.W. Hunter ने यह अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? 40वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1924 में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 63वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। अगला प्रश्न, कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? 63वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन है मदन लाल धिंगरा को। कर्जन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर कर दिया। वाइली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 पर आधारित। राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। अगला प्रश्न, न्यू लैम्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, अरविंद घोष। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष
ढोलमूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैम्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन ए, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कांड में 19 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? 42वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन बी, भगत सिंह। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एचएसआरए रखा गया। अगला प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन ए, रामप्रसाद बिस्मिल। यह पंक्तियां रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? 66वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इसे नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? राइट आंसर ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को। 45वीं बीबीसी प्री में पूछा गया प्रश्न। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के दो सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, वह 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला प्रश्न, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह की उम्र क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 21 साल से थोड़ा ज्यादा। भगत सिंह
भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पर अधिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के लिए भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा था। अगला प्रश्न अनुशीलन समिति थी। 47वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। अगला प्रश्न 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। 67वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी सचिंद्र सान्याल ने। अगला प्रश्न चिटगांव शस्त्र छापारी। अगला प्रश्न चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए सूर्य सेन के द्वारा। अगला प्रश्न चिटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है। 67वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन डी सूर्य सेन। अगला प्रश्न निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी अरविंद घोष। 47वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। अगला प्रश्न गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। 41वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी 1913 ईस्वी में। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखनक के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था में गदर नामक एक अखबार निकला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे। अगला प्रश्न गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। राइट आंसर ऑप्शन सी प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। 39वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने के बाद भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। अगला प्रश्न गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी। 67वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में किया गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। इसे अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। अगला प्रश्न सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। 67वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी माइकल ओडायर को। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। उधम सिंह ने जालियांवाले बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 46वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हो गया। अगला प्रश्न सेम प्रश्न है। 42वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। राइट आंसर ऑप्शन सी। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की रचना थी। राइट आंसर ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी ने। अगला प्रश्न इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। राइट आंसर ऑप्शन बी सी आर दास। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। 67वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन सी लाला लाजपत राय।
अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 44वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई। में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। 46वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न, 2003-2004 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। देखिए, राइट आंसर इज ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। 1 अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों को भारत में रक्षा की जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1833, पिट इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66वीं बीबीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन होगा डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 से संबंधित है। उसमें ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, टीएस ऑलकट। 40वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन डी टीएस ऑलकट। टीएस ऑलकट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडन ब्लाटवस्की एवं टीएस ऑलकट ने किया था। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल आरंभ किया। एम सुब्रमण्यम अय्यर ने भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एम सुब्रमण्यम अय्यर होम रूल लीग से संबंधित थे, जबकि टीएस अलकट थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन डी टीएस अलकट। अगला प्रश्न, किस अधिनियम में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1920 का बंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, 1918 में होने वाला प्रथम एयूपी किसान सभा, 1938 में नागपुर का संयुक्त एआईटीयूसी और एनएफटीयू सभा। 39वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक अच्छा मौका था। एक्चुअली लखनऊ के समर्थकों ने परंपरा बना दी थी कि जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही है, उसके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। अगला प्रश्न, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, ऑप्शन है 1919 में, 1917, 1921, 1896। राइट आंसर ऑप्शन बी 1917 में। सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है,
जो कि वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर एम ई सैंडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की एक कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा ठीक ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि जब तक बेसिक अच्छा नहीं होगा, आप स्कूल के लेवल पे अच्छा शिक्षा नहीं करेंगे तो विश्वविद्यालय लेवल पे अच्छी शिक्षा कैसे हो पाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। 41वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। होम रूल लीग के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे जैसे गोरो द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। बंगाल के विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। देखिए दोस्तों, कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरुद्ध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ गया। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः यह स्पष्ट हो गया था कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में सी आर दास ने गांधी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे। 41वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। प्यारे लाल जी उनके महासचिव थे। नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में रिपीट करके पूछे जाते हैं, पैटर्न अलग अलग तरीके से। राइट आंसर ऑप्शन सी, चंपारण। देखिए, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं, तो भारत में पहला प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में, जो कि 1917 में हुई थी। चंपारण के एक किसान जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, उन्होंने गांधी को लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे तीन कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी
अब बाबू मतलब करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों ने इसी उत्पीड़न के विरोध में आकर गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न 2020 में। राइट आंसर ऑप्शन ए श्यामलदास कॉलेज भावनगर। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत इन्होंने भावनगर स्थित श्यामलदास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन कराया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? 66वीं बीपीएससी प्री का प्रश्न है। आपके आधुनिक इतिहास आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 35 से 40 प्रश्न आपके हिस्ट्री से मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम प्रश्न रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए चंपारण। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1917 का चंपारण सत्याग्रह है। अगला प्रश्न, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राजकुमार शुक्ल, जिसकी चर्चा मैंने अभी पिछले प्रश्न में की 209 नंबर पे। राजकुमार शुक्ल ने वर्ष 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट की थी और उन्हें चंपारण के किसानों के शोषण की कहानी सुनाई एवं गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? रिपीटेड क्वेश्चन, 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। अगर आपने कमेंट कर दिया तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। रिपीटेड क्वेश्चन फिर से, सेम क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से प्रारंभ किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन, 48वीं से 52वीं में भी पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा चंपारण से। ये सब आपको प्रश्न रट लेना होगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए आपके लिए हेल्पफुल रहता है। प्रश्न का पैटर्न मालूम होता है और प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? रिपीटेड क्वेश्चन, मैं अब इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, कमेंट कीजिए प्लीज। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। ये सारे आपके गांधी जी से रिलेटेड, चंपारण सत्याग्रह और किसने उनको चंपारण आने के लिए इनवाइट किया था, तो ये सब एक ही प्रश्न में चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा चंपारण से। अगला प्रश्न देखिए, फिर से चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए गांधी जी होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना किसने की? 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र ने किया है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह, जो कि 1859-60 में हुआ था, नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह
शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बगान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बगान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बगान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 में नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जन सभाओं के माध्यम द्वारा इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नील दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? 41वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वायकोम सत्याग्रह। वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने स्वयं नेतृत्व किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? 46वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। चार्ली एंड्रूज रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनका निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज 1925 तथा 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन भी गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। देखिए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। अगला प्रश्न। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? 39वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मी ने। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर के चल रहे थे। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? 47वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। बजाज, राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए सेठ जमनालाल बजाज गांधी के निकट सहयोगी में से एक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वह वर्ष 1930 में जेल गए। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? फिर से रिपीट हो गया, राइट आंसर ऑप्शन बी, चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तीन कठिया प्रणाली से, 3/20 जमीन के हिस्से को, 3/20 जमीन के हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी।
राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में तीन कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ऑप्शन सी होगा 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, 3/20। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? 42वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसमें जेपी चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण आंदोलन से संबंधित थे, डी। अगला प्रश्न देखिए, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी होंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 47वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, स्वामी सहजानंद ने की थी, राइट आंसर ऑप्शन ए। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के बीच विद्वान एनजी रंगा महासचिव चुने गए। अगला प्रश्न देखिए, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 47वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी में। एम एन जोशी जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस तथा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बंबई बंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमन लाल प्रथम महासचिव थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 42वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर का ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? 40वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन ए, एम एन रॉय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम से हुआ है? 63वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न देखते हैं, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, राइट आंसर ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। 41वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार कांग्रेस सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट के, रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायल ने नरसंहार कराया था। निहत्ते लोगों पर जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था? 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन बी, 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? अभी मैंने बताया कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, राइट आंसर ऑप्शन बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरुद्ध में प्रदर्शन करने में।
अगला प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? 65वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तेरह अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तक में अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों को छोड़कर अपने देशवासियों के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। अगला प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया था, किसने मारा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उधम सिंह ने। जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए वह इंग्लैंड में 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को गोली से मार दिया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दिया गया था। अगला प्रश्न, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग त्रासदी से। अगला प्रश्न, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग के दौरान, जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान में। राइट आंसर ऑप्शन बी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? 44वीं बीपीसी का प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी, उधम सिंह ने। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी, तो आप इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। आधुनिक इतिहास आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि 1857 से लेकर के 1947 तक। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। 40वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? 39वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, स्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, उस प्रदेश का नाम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी, बिहार है। 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1920 में, 1920 ईस्वी में। 53वीं से 55वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी में। रिपीटेड क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे आप लोग। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, छपरा में। राइट आंसर ऑप्शन ए, छपरा में। अगला प्रश्न, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपना हिमालय जैसी भूल बताई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, चौरा चौरी हत्याकांड। ये थे आपके बीपीएससी प्रीवियस। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए हैं मेरे वीडियो में, जो नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।